लगातार हम न्यूज़ 24 पर आपको बिहार के अस्पतालों की व्यवस्था और उसकी बदहाली दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के गर्दनी बाग में, यह सरकारी हॉस्पिटल है। हमारे साथ कई लोग हैं जो मरीज भी हैं और कुछ मरीज के परिजन भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। और साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि कुछ ही दिनों में आम बजट आने वाला है, तो वह सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। यह सबसे पहले यह बताइए आपको कि बिहार के अस्पतालों में आपको क्या क्या कमी दिखती है। देखिए, बिहार के जो अस्पतालों में है, जो जैसे कि बड़े लोग तो बड़े बड़े अस्पतालों में दिखा रहे हैं, जैसे मजदूरी करने वाले लोग तो सरकार के हॉस्पिटल में आते हैं बड़ी उम्मीदों लेकर, तो वहाँ पे चेकबुक के नाम पे डॉक्टर कहते हैं कि फलने हॉस्पिटल में जाइए, चूँकि उनका कमीशन बन चुके हैं। और दवाई के नाम पर जहाँ तक है, कुछ दवाई यहाँ मिलता है और मिलता भी नहीं, और बाहर जिस दुकानदार के यहाँ जाना पड़ता है उस डॉक्टर का कमीशन बनता है कि इतना दवाई दीजिएगा इतना परसेंट डॉक्टर। चूँकि अभी हम अपने वाइफ को लेकर आए हैं दिखाने के लिए, तो यहाँ पे बोला दवाई लिख दिया गया है, और चूँकि दवाई बाहर से मंगाने का हम लोग का बिल थमा दिया गया है कि यहाँ पे दवाई अवेलेबल नहीं है। तो सरकार से उम्मीद यही करते हैं, कोई भी गरीब आदमी मजदूरी करने के लोग, गवर्नमेंट उन बजट स्वास्थ्य बजट में स्वास्थ्य पे जरा गरीबों की जो समस्या का जो ध्यान दें। चूँकि हम बताइए, आपको सफाई दिखती है हॉस्पिटल में? जी, सफाई तो है सर। क्या कमी लगती है आपको जो सरकारी अस्पताल है बिहार के? ऐसे तो ठीक है, बाकी कुछ ऑनड्रेस वगैरह कर कुछ नहीं यहाँ पर सुविधा है। बाहर से खून पेशाब खाली चेकअप यहाँ हुआ है, ऑनड्रेस कहें कि बाहर से करा के लाइए। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि अगर सफाई की बात करें तो आपको लगता है कि बिहार में जितने अस्पताल हैं उसके अगल बगल में सफाई है पूरी जितनी होनी चाहिए? नहीं, आसपास में जैसे यहीं पे पास में कूड़ा का ढेर है, ढेर क्या अंबार लगा हुआ है, सारी जगह कूड़ा यहीं फेंका जाता है। पर एक तो यहाँ बीमार लोग आते हैं, बदबू बहुत ज़्यादा, जो आसपास रहने वाले हैं उन लोग का भी जीना मुश्किल है। आम बजट आने वाला है, सरकार से अपील करेंगे कि कम से कम इस तरफ थोड़ा उनकी ध्यान जाए। हाँ, कूड़ा के लिए डंपिंग, वो जो बायो खाद बनने वाला है, जो बनने के लिए हो रहा है, वो जल्द से जल्द होना चाहिए उसका। बिहार के सरकारी जो अस्पताल है उसमें ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि डॉक्टर और नर्सेज की काफ़ी कमी है। डॉक्टर और नर्स जो है वो तो रहते ही हैं, पर कमी है और आने चाहिए उसमें, और दवा भी सारे रहने चाहिए हॉस्पिटल में, क्योंकि टाइम पे दवा नहीं मिलने के कारण इधर उधर लोग को भागना पड़ता है दवा के लिए, ये होना चाहिए। तो हमारे साथ और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उन्हें जो सरकारी अस्पताल है उसमें और कमी क्या क्या लगती है आपको, जो भी बिहार के अस्पताल है क्या कमी लगती है? कमी तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन अभी इसे स्कूल लिया है तो थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा है, या फिर समय पर डॉक्टर नहीं आते हैं, ये सब थोड़ा कमी है। दवा मिलती है? दवा पूरा दवा नहीं मिलता, आधा बाहर मिलता आधा इसमें मिलता है। जो जांच होने चाहिए वो होता है सरकारी अस्पताल में जहाँ आप आइए? ना कहाँ आइए, ना एक अल्ट्रासाउंड है, ना बीपी जाँच है, ना कुछों के कुछ, कहाँ इलाज मिला है? बीमारी बलग में इधर देखिए कूड़ा है कि ऐसा कूड़ा के महा कहते एक महीना बाद कि डॉक्टर की जगह नहीं मिलती हॉस्पिटल में रखे लगी, यह है। एगो दवा मिलता है तो एगो नहीं मिलता है, दौड़ते रहो कुत्ता नहीं, शरीर से चल नहीं हो रहा है, थक रहे हैं, हफ नहीं रही, सब लगता है ना थर थराते हैं, लगा गिर जाएंगे कहाँ, गरीब कहाँ खाएंगे, कितना दवाई कमा के खाल पेट पर आफत है, दवाई कहाँ से उतना खाएंगे। आप खोल लें तो दवा तो दीजिए गरीब के, देखिए जैसा आदमी वैसा कीजिए, कुछ बस सुनाई नहीं है, अब क्या कर सकते हैं गरीब आदमी। ये दर्द है पटना के मरीजों का, इनका कहना है कि जब वह सरकारी अस्पताल जाते हैं तो चारों तरफ गंदगी रहती है, दवा नहीं रहती है, डॉक्टर नहीं रहते हैं, नर्सेस नहीं रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इस ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।